नमस्कार मित्रों, नमिता की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही शरीर को पौष्टिकता प्रदान करने वाली रेसिपी लेकर के आए हैं, सोंठ गोंद आदि के लड्डू, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। विंटर में अगर आप इसको खाते हैं तो पूरे दिन शरीर में आपको गर्मी बनी रहेगी और पूरी ताकत रहती है। इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू हैं ये, आपको पूरे जाड़े भर सर्दी का एहसास ना होगा। चाहे बच्चों को आप दें, चाहे बड़ों को दें, सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बन करके तैयार होते हैं। और ख़ास तौर से फ्रेंड्स, ये लड्डू जच्चा के लिए डिलीवरी के बाद में जो परेशानियाँ होती हैं उनसे बचे रहते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं, क्योंकि इसमें घी और मेवे, ड्राई फ्रूट्स आदि सब भरपूर मात्रा में मिलाया जाता है। इन लड्डू में गोंद डाला जाता है जो पौष्टिकता से भरपूर होती है। तो फटाफट आइए हम देखते हैं कि ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी आटा, सोंठ, गोंद और ड्राई फ्रूट्स के लड्डुओं को कैसे बनाएंगे। गोंद, सोंठ और आटे के लड्डू बनाने के लिए जिन सामग्री की आवश्यकता होगी उसको हम सबसे पहले देखते हैं। मैंने नॉर्मल वाला आटा लिया हुआ है जो हम रोज रोटी के लिए यूज़ करते हैं, ये तौल में देखा जाए तो 250 ग्राम है। और साथ में मैंने लिया हुआ है एक बड़े चम्मच सोंठ पाउडर, और हुआ है शक्कर का बूरा, ये भी 60 ग्राम के आसपास है। देशी घी लिया हुआ है, इसको भी हमने 150 से 200 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। जितना लगेगा उतना हम इसमें यूज़ कर लेंगे। और साथ में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, कुछ मखाने लिए हुए हैं, और कुछ मैंने बादाम लिए हुए हैं, काजू लिए हुए हैं, और साथ में कुछ किशमिश ली हुई है, और पोस्ता दाना। पोस्ता का दाना, खसखस का दाना, पॉपी सीड्स डालना इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हम इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बना रहे हैं इसलिए सभी हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे। किंतु इतने चाहे आप ड्राई फ्रूट्स डालें, और कुछ ड्राई फ्रूट्स आप ऐड भी कर सकते हैं और कुछ को आप स्किप भी कर सकते हैं, इनकी मात्रा भी घटा बढ़ा सकते हैं। और साथ में मैंने लिया हुआ थोड़ा सा नारियल का बुरादा, एक बड़े चम्मच, और लिया हुआ है गोंद, ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, तौल में देखा जाए तो ये 50 ग्राम के आसपास है। आइए देखते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू कैसे बनाए जाएंगे। स्वादिष्ट आटे गोंद के लड्डू बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई, आप किसी भी लोहे की कढ़ाई में भी उसको आसानी से बना सकते हैं। और कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लिया। सबसे पहले इसमें हम पॉपी सीड्स, खसखस के दाने सूखा ही इसमें डालेंगे, और धीमी आंच में इसको 2 से 3 मिनट तक दाने का कलर बदल गया है, रोस्ट हो गया है, बस इसको हम एक फैले बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, 1 चम्मच। पहले हम डालेंगे बादाम, काजू को बिल्कुल धीमी आंच में रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये होममेड घी है, बहुत ही फटाफट और बहुत सारा सा निकल आता है मलाई से। बनाने की रेसिपी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया है। देखिए इसका कलर बदल गया है, ये थोड़े से रोस्ट हो गए हैं, इनको भी एक फैले बर्तन में निकाल लेंगे। खसखस निकाला था उसी प्लेट में इसको भी ट्रांसफ़र करते जाएंगे। हम डालेंगे थोड़े से मखाने जो मैंने लिए थे बिल्कुल क्रिस्प होने तक, इसको इसी में धीमी आंच में ही भूनेंगे। देखिए मखाने अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं और इनका कलर भी आप देख रहे होंगे बदल गया है। यदि हम उनको हाथ से उठा करके तोड़ते हैं तो देखिएगा बिल्कुल आसानी से क्रश हो रहे हैं। बस हम अब इनको ही उसमें ही निकाल देंगे जिसमें मैंने बादाम और काजू निकाले थे, और जो बचा हुआ घी है उसमें थोड़ी सी डाल देंगे किशमिश और उनको भी भूनेंगे। ये जो गरी का बुरादा मैंने लिया हुआ था इसको भी इसी में धीमी आंच में थोड़ा सा 30 सेकंड तक बस रोस्ट कर लेंगे। जिसमें पोस्ता निकाला था उसी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैंने इसी कढ़ाई में डाल दिया है 2 बड़े चम्मच देसी घी, हाई फ्लेम पर मैंने गर्म किया है। ये जो मैंने गोंद ली हुई थी को भी डालेंगे, इस गोंद को फ्राई करेंगे धीमी आंच में फ्रेंड्स करेंगे, ताकि ये अंदर तक गोंद बिल्कुल फूल जाएगी। गोंद जब भी आप फ्राई करें थोड़े ज़्यादा सा घी में इसको फ्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने देसी घी में बनाया है, आप वनस्पति घी में भी इसको इन लड्डुओं को बना सकते हैं। इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू रेडी कर रही हूँ, सभी चीज़ें बहुत ही ताकत वाली हैं, बस अच्छी तरह से
थूम फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से दुगने फूल गए हैं, सर मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले थे, उसी के किनारे साइड में भी इनको ये गोंद को भी निकाल लेंगे। इनको थोड़ा ठंडा करेंगे और जो पोस्ता दाना है, नारियल का बुरादा है, किशमिश को ऐसे ही छोड़ देंगे और सबसे पहले मिक्सर के ग्राइंडर के जार में गोंद ठंडा होने पर गोंद को पीसेंगे। और मैंने बादाम, काजू और मखाने रखे हैं, इनको बहुत ही हल्का सा हमको क्रश करना है, तो बहुत महीन पाउडर नहीं बनाना है फ्रेंड्स, तो इस बात का खास ध्यान देंगे। तो ठंडा करके पीस के आपको दिखाते हैं। घी था उसमें के लिए मैंने जो 250 ग्राम नॉर्मल गेहूं का आटा लिया हुआ था उसको इसी में डालेंगे। कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसको बिल्कुल गोल्डन होने तक भूनेंगे। खास ध्यान देंगे कि गैस की फ्लेम फ्रेंड्स बिल्कुल धीमी रहे, नहीं तो तेज आंच में लड्डू उतने स्वादिष्ट नहीं बनेंगे। फ्रेंड्स आटे को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है, इस समय डालेंगे 1 बड़े चम्मच ये सौंठ पाउडर, ताकि मैं आटे के साथ भी सौंठ पाउडर भी अच्छी तरह से भुन जाएगा। फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसको आटे को चारों तरफ घुमा घुमा के अलटते पलटते हुए इसको हम आटे को भूनते हुए कम से कम 10 से 12 मिनट हो गए हैं और आटे का कलर भी आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्राउनिश सा हो गया है, सौंधी सी बहुत ही लाजवाब खुशबू पूरे घर में फैल रही है। इस समय गैस की फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इस आटे को एक फैले बर्तन में, परात में, थाली में किसी में ट्रांसफ़र कर लेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। तो मैंने जो गोंद ली थी उसको मिक्सर में इतना फाइन पाउडर जैसा बना लिया है। खाना बादाम और काजू जो लिए थे उनको हल्का सा क्रश किया है ताकि जब मुंह में क्रंची क्रंची आता है तब बहुत ही टेस्टी लगता है। देखिए फ्रेंड्स आटा थोड़ा सा ठंडा हो गया है, फ्लेवर के लिए 1 चम्मच इलायची पाउडर ऑप्शनल है, गोंद को तल के पीस के रखा हुआ था इसको भी इसी में डालेंगे। कस पाउडर था, गरी पाउडर था और किशमिश, खाने को थोड़ा सा क्रश किया हुआ है और ये ड्राई फ्रूट्स इसी में मिक्स करेंगे। 60 ग्राम शक्कर का बुरा, इसकी जगह पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, तो का भी आटा गर्म है तो इसके साथ में जो शक्कर का बूरा है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। गोंद सौंठ आटे के लड्डू बहुत ही ट्रेडिशनल सी रेसिपी है, जब घर में बच्चा आदि होता है तब फिर बच्चे की माँ को, जच्चा को ये खास तौर से खिलाया जाता है, क्योंकि उससे खाने से भी आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो काफ़ी कुछ कम हो जाती है। घर में बच्चे बड़े सभी एक लड्डू यदि खा लेते हैं तो आगे ठंड से तो काफ़ी बचत होती ही है, और गला खराब होना, सर्दी होना, कमर में दर्द होना, ये सब रोग भी काफ़ी कुछ कम हो जाते हैं। बस अब जो बचा हुआ बाकी घी है वो भी इसी में सब मिला देंगे। देखिए इस तरह से सबको अच्छी तरह से हाथों से मसल दिया है, तब इसको थोड़ा थोड़ा लेंगे, ये इसका साइज आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और बस आसानी से हाथों से इन तीनों फिंगर से हथेली में रखेंगे और इस तरह से पूरा पूरा अच्छी तरह से दबाएंगे। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही ट्रेडिशनल से मिनटों में तैयार हो गया ये लड्डू, बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही फटाफट बन जाते हैं। देखिए इस तरह से सबको बना करके, देखिए इस तरह से सभी लड्डुओं को बना के फटाफट रख दिया है। फ्रेंड्स अब ये सॉफ्ट है तो कंटेनर में भरने के पहले अगर आप इसको 15 मिनट 20 मिनट फ्रिज में रख देंगे तो ये लड्डू अच्छे हार्ड हो जाएंगे, और वरना टेस्ट तो उसका उसी तरह से लाजवाब। फ्रेंड्स कितने मस्त, कितने डिलीशियस और बहुत ही हेल्दी, शरीर को मजबूती प्रदान करने वाले ये आटा, गोंद और सौंठ के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हैं। आप काफ़ी सारे से बना करके रख लें, को पौष्टिकता प्रदान करने वाले ये सौंठ और आटे और ड्राई फ्रूट्स के साथ जो लड्डू बनकर रेडी हुए हैं बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही फायदेमंद है। तो फटाफट बनने वाली ये आटा, सौंठ और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू की रेसिपी अगर आपको पसंद आती हो तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हमको इंतज़ार रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नमिता की रसोई को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नमिता की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँचे। अब हम फिर मिलेंगे एक नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ,
तब तक टेक केयर, बाय बाय।